उपरांत हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक काम करिए। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। प्रभु ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ना, यहाँ पर श्री सुग्रीव जी रहते हैं, आपके दास हैं। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए और उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए। अभी अभी हनुमान जी ने क्या कहा, सुग्रीव जी क्या हैं? दास हैं, कहा ना। अब हनुमान जी कह रहे, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, क्या करना है चल के? तेहि सननाथ मैत्री की, आप चल के उनसे मित्रता कर लो। राघव जी ने कहा, जितने मिले हैं सब मित्र ही मिले हैं, एक दास मिला है, कम से कम इनको दास ही रहने दिया जाए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नहीं नहीं, अभी दास वाली कुर्सी को सुग्रीव जी छिका के बैठे, छिकाना समझते ना, मतलब छिका लेना, रोक लेना। अभी दास वाली कुर्सी पे सुग्रीव जी कब्जा करके बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप सुग्रीव जी को मित्र वाली कुर्सी पे बैठा दो और जो दास वाली कुर्सी खाली हो जाए उस पे इस दास को बिठा दो। मुझे वो पद मिले जिस पद पे अभी सुग्रीव जी हैं, मैं आपका दास बन सकूं। श्री हनुमान जी महाराज जब लेकर जाने लगे, हनुमान जी महाराज ने राघव जी से लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु आप दोनों मेरी पीठ पर आ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी हम कोई सामान या वस्तु नहीं है जिसको पीठ पे लाद के ले जाया जाए। पीठ पे बोरा लादा जाता है कि इंसान लादा जाता है? हम कोई वस्तु थोड़ी ना है कि आप हमें पीठ पे लेकर चलोगे, लेके चलना है तो गोद में लेके चलो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, अगर मैं आपको गोद में लेकर चलूंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा, लेकिन अगर मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर ले चलूंगा तो आप मुझे पकड़ के रखोगे। अब जैसे बच्चे को जब पिता कंधे पे बिठाता है तो बच्चा कहाँ पकड़ता है, सिर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको पकड़ूं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे पकड़ लो। हम भी तो भगवान से यही कहें, सरकार हम अगर पकड़ेंगे तो हो सकता है हम दुनिया के मेले में कभी भूल जाएं और कहीं खो जाएं, पर आप अगर मुझे पकड़ लेंगे तो फिर ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया, लिए दो जन पीठ चढ़ाए और तदुपरांत हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़े, सुग्रीव जी के निकट पहुंचे, सुग्रीव जी से भेंट हुई। अब सुग्रीव जी ने अपना पूरा दुख बताया, जो जो घटना घटी, प्रभु बाली ने मेरे साथ बहुत गलत किया नाथ, मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी भी नहीं समर्पित की मुझे, सरकार बहुत बड़ा छल किया है बाली ने मेरे साथ। अभी अभी राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की है। मित्र का मतलब क्या होना चाहिए जीवन में, मैंने एक दिन और प्रार्थना की थी, एक बार पुनः कर रही हूँ। यहाँ राम जी की इस यहाँ पर मित्रता जो की है, इस प्रसंग से सीखा जाए कि जीवन में अगर कोई अपना होने की बात कह रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, जीवन में मित्रता कैसी होनी चाहिए। राम जी अभी तक व्याकुल थे, माँ की खोज में थे ना, विप्र फिरई हम खोजत ते ही। अब सुग्रीव जी ने अपना दुखड़ा बताया, भगवान हमारा राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, कुछ नहीं, हम बिल्कुल निर्धन। भगवान ने अब मित्रता की है सुग्रीव जी से, भगवान अपना दुख भूल गए और सुग्रीव जी के दुख को अब सामने रखा है, अपना दुख किनारे कर दिया और क्या कह रहे हैं, सुग्रीव चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से बाली का वध करूंगा और सुग्रीव चाहे पूरे त्रिदेवों की शरण में भटक ले पर अब सुग्रीव को मुझसे कोई बचा, बाली को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुग्रीव जी के सामने भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमारे आपके सामने अगर भगवान आके कहें सुनो चिंता मत करो, इसके बाद भी चिंता रह जाएगी क्या? अगर भगवान बोले तो बोलिए,
नहीं रहेगी ना, पर सुग्रीव जी की चिंता अभी भी नहीं मिटी है। सुग्रीव जी को संदेह है किस पे? भगवान पे। किस बात का संदेह? कि बाली बहुत बलशाली है, महाबली है, पता नहीं भगवान बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। जबकि भगवान कह रहे चिंता मत करो, फिर भी सुग्रीव के मन को शांति नहीं है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली ना बहुत बलशाली है। अब सोचिए, भगवान को पहले सुग्रीव जी के सामने प्रमाण देना पड़ा। सात दिशा में सात ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अगर इन सातों वृक्षों का छेदन एक साथ हो सके तभी यहाँ पर सिद्ध होगा कि आप बाली का वध कर पाएंगे। एक बाण से प्रभु ने सातों दिशाओं के सातों वृक्षों को ढहाया। अब सुग्रीव को पता चल गया कि ये बाली का वध आसानी से कर सकते हैं। अभी तक सुग्रीव जी कह रहे थे बाली हमारा शत्रु है। अब सुग्रीव जी ने क्या कहा? भगवान ने कहा, तो अब आपको यकीन है ना कि बाली का वध मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है, आप बाली को बुलाओ और आपके शत्रु का आज नाश होगा। अब सुग्रीव जी का कह रहे हैं, शत्रु कौन शत्रु? राम जी ने कहा, अभी आप ही तो कह रहे थे कि बाली आपका शत्रु है। नहीं नहीं प्रभु, कौन मित्र और कौन शत्रु? नाथ चार दिन का जीवन है, अब मैं चाहता हूँ अब प्रभु कृपा कर हुए ही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन रात। अभी तक सुग्रीव जी रो रहे थे कि मेरा राज्य छिन गया है, मुझे राज्य मिल जाए, मेरी पत्नी मिल जाए। अब सुग्रीव जी ने कहा, भगवान एक कृपा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ छाड़ के अब हम बस आपका भजन करें, ऐसी कृपा करो। इस वैराग्य का क्या नाम है जानते हैं? क्षणिक वैराग्य। जो मैंने आपसे दो दिन पहले कहा था ना कि कथा सुनते सुनते भर में लगता सब छोड़ के कहीं चले जाए, ये क्षणिक वैराग्य होता है, जो चलाऊ होता है पर टिकाऊ नहीं होता है। सुग्रीव जी को भी यही वैराग्य आया है। सुग्रीव जी कह रहे, कौन शत्रु कौन मित्र? सब अपने हैं भगवान, बस कृपा करो तो आपका भजन करें। भगवान ने कहा, सारे भजन का भूत एक मिनट में उतरेगा। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, ललकारो तो आप बाली को, जाओ तो युद्ध करने। युद्ध करने गए, बाली ने दो चार मुक्के खींच के लगाए और जैसे बाली के मुक्के पड़े, सुग्रीव चिल्लाते आए, प्रभु बंधु न होई मोर यह काला, ये हमार भाई नहीं है, शत्रु है, पट्ट से मारो, तुरंत मारो। लक्ष्मण जी कहे, दो मिनट पहले तो आप कह रहे थे कि कौन शत्रु कौन मित्र? बोला, अरे वो हमने कह दिया था, ये भाई नहीं है, ये हमारा शत्रु है, इसको मारी। मनुष्य की भाषा क्षण क्षण में बदलती है, एक निमेश में। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्यासा, प्यास से व्याकुल जा रहा था, रास्ते में कहीं नदी नहीं, कोई नल नहीं, एक घर उसको एकांत में दिखाई दिया। अब उसे लगे कि प्यास से मेरे प्राण निकल जाएंगे, उसने दरवाजा खटखटाया, ऊपर खिड़की किसी ने खोली, बोला, हाँ भैया क्या चाहिए? भैया मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे एक लोटा जल पिला दो। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये जो आदमी नीचे प्यासा खड़ा है, ये मन ही मन कहता है, ये आदमी नहीं है, भगवान है, भगवान। प्राण रख लिए आज हमारे, नहीं प्राण निकल जाते, कितना नेक इंसान है, अनजाने को पानी पिला रहा है, इतनी सारी गाथा गा रहा है, पांच मिनट बीत गए, छठवें मिनट में थोड़ा थोड़ा क्रोध बढ़ने लगा। ऐसा कोई मजाक करता है प्यासे के साथ? ऐसा करना चाहिए? पानी नहीं देता तो नहीं देता। जैसे दसवां मिनट शुरू हुआ, जो दस मिनट पहले कह रहा था कि भगवान है, अभी कह रहा है भगवान नहीं, इंसान भी नहीं है, ये तो राक्षस है, राक्षस। मैं प्यास से तड़प रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, ऐसा कोई करता है पाप लगेगा इसको। तब तक उसने खिड़की खोल के कहा, भैया क्षमा करना, देर हो गई, वो दरअसल मैंने सोचा कि खाली पानी कैसे पिलाऊं, तो मैं थोड़ा मीठा ढूंढने लग गया था। अभी कहता है, नहीं नहीं भगवान तो है।
एक निमिष मात्र के अंदर मनुष्य की भाषा बदल जाती है। आज हम किसी की नहीं सुन रहे हैं, आज हम खाली बोल रहे हैं। हमने तय कर लिया अब कोई बोलो हम किसी को नहीं बोलेंगे, आज हम खाली अकेले बोलेंगे। और जिसको सुनना होगा सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। जिसको पाना होगा वो 8 दिन में पा चुका होगा, और जो 8 दिन में नहीं पाए वो 9वें दिन में ही कौन सा झंडा गाड़ लेगा। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कराई है। सुग्रीव आकर कहते हैं प्रभु बालिका वध करो, ये मेरा भाई भाई नहीं है, आपने मारा क्यों नहीं रही, आपने मुझे वहां के मरने के लिए भेज दिया था। ठाकुर जी ने कहा दोनों भाई एक जैसे हो ना, अपने कंठ की माला सुग्रीव जी को पहनाई, बोला फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा पक्का आएंगे ना मारने, इस बार भी नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। अरे जाओ तो सही, दोबारा गए युद्ध के लिए। अच्छा बाली को उसकी पत्नी तारा ने समझाया था, रोका तारा ने। तारा ने कहा मेरा मन कहता है आपको नहीं जाना चाहिए, भगवान बहुत समर्थशाली हैं और रघुनाथ जी की से विमुख होने का मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ है, आप मत जाओ युद्ध करने। इस समय बाली ने कहा कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा मैंने जहां तक भगवान के बारे में सुना है तो राम जी समदर्शी है, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करते। और तारा जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होव सना। मान लो अगर आज मैं राम जी के बाणों से मारा गया तो तारा सत्य कहूं मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैंने आपसे एक दिन प्रश्न किया था कि वास्तव में आप अनाथ किसको मानते हैं, तो आपने बोला कि जिसके माता पिता कोई ना हो वो व्यक्ति अनाथ होता है। पर यहाँ का प्रसंग कहता है क्या बाली का बेटा नहीं है, क्या बाली की पत्नी नहीं है, क्या बाली का भाई नहीं है, क्या बाली का इतना बड़ा राज्य नहीं है, फिर भी बाली कह रहा है कि राम जी के बाणों से अगर मैं मरा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तात्पर्य भगवान की कृपा जिसको ना मिले वो अनाथ है, और जो इनकी कृपा को प्राप्त कर ले वही संसार में सनाथ है, और कोई परिभाषा नहीं। हो इनके रहते I'm not afraid.
से अनुरोध है कि थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा कीजिए, सबको जगह दीजिए, जितना बन सके थोड़ा थोड़ा बढ़िए, बढ़ जाइए, आइए कोशिश कीजिए, बढ़िए बढ़िए, थोड़ा सा बढ़िए, आइए आगे जगह है, आप लोग थोड़ा सा बढ़िए, आगे वाले बढ़िए, बढ़िए बढ़िए, खाली सुनिए नहीं, बढ़िए कम से कम, बढ़िए बढ़िए, प्रभु का नाम लेके बढ़िए आप लोग, yeah.
बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब शांति से जिसको अब जहां जगह मिल गई आप विराज जाइए। अब खिसकने वाले भी कहां तक खिसके, जमीन है, प्लास्टिक थोड़ी ना है कि घसीट के बढ़ा दें। हम इनसे कहें भी तो कितना कहें, हम खुद स्थिति देख रहे हैं तो जबरदस्ती कहा कहते मुड़ी पे बैठा लो किसी को, जगह हो तो। अब जितना था संभव सब कर लिया प्रयास, बाकी राघव जी की इच्छा जैसे संभव हो प्रभु का नाम लेके सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पर अब बोलिए मत, अब मत बोलिए, है ना। अब शांति से हम कथा सुनेंगे। हनुमान जी का चरित्र है, आज एकादशी है फिर भी आप इतना बोल पा रहे हैं, आराम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब ऐसे चाबी खींचो और फेंक दो, जब हम कहेंगे तो ढूंढ के फिर आप खोलना था। श्री हनुमान जी महाराज मित्रता उपरांत, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रही थी बाली के प्रसंग पर, बाली ने अपनी पत्नी तारा को समझाया कि तारा भगवान के निकट जाऊंगा तो सब प्रकार से मेरा कल्याण ही कल्याण है। बाली आया युद्ध के लिए, प्रभु ने अपने बाण से जैसे ही बाली का वध किया, बाण का प्रहार किया, बाण लगते ही बाली धरा पर गिरा। पहले बाली ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी तो आपसे ना कोई मित्रता है ना कोई शत्रुता है, मेरा जो भी बैर है वो बाली के सुग्रीव के साथ था। तो प्रभु एक बात बताओ, आप तो समदर्शी हो ना, फिर ये सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया, मैं आपका बैरी कैसे हो गया। प्रभु ने यहाँ बाली से कहा, मूर्ख तूने अपने भाई की वधु पर कुदृष्टि डाली, मैंने किसका दंड तुझे दिया है। बाली ने कहा, प्रभु ये जितने विधि विधान नियम होते हैं ये मनुष्य जाति के लिए, हम तो वानर हैं, हमारे लिए क्या ये नियम, हम क्या जाने सही और गलत, आपने क्या इसका दंड मुझे दिया। प्रभु ने दूसरा तर्क रखा, बाली तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे शरणागत है, उसके बाद भी तुमने सुग्रीव से बैर ठान के रखा, मैंने इसका दंड तुम्हें दिया। बाली ने कहा, प्रभु आपके समक्ष अब मेरी एक प्रार्थना है। ठाकुर जी ने कहा ना बाली से, बाली तुम अभी अपने प्राण रखो। बाली ने कहा, प्रभु मैं अब अपने प्राण रखकर क्या करूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में आपका नाम तक मनुष्य के मुख से निकलना दुर्लभ है और मैं आपके समक्ष अपने प्राण न त्यागूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुझे इतना सुंदर मौका मिला है तो फिर मैं क्यों इस मौके को अपने हाथ से जाने दूं प्रभु। बाली ने कहा, मैं तो आपकी सेवा ना कर सका प्रभु, लेकिन यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास की सेवा, पर मेरा पुत्र है अंगद जो बल में मेरे समान है, मेरे ही समान गुण है इसमें, प्रभु आप इसका बाह पकड़ लीजिए। अब जरा ध्यान से आप इस प्रसंग को सुनो जो मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़कर। अगर बाली चाहते तो बाली ये कह सकते थे, अंगद भगवान के चरण पकड़ लो, बेटे को कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। पर यहाँ बाली ने बेटे से नहीं कहा, भगवान से कहा, प्रभु आप अंगद की बांह पकड़ लो। क्या फर्क है दोनों में? बाली ने वही बात कही, प्रभु हम जाति से वानर हैं, वानर का स्वभाव चंचल होता है, अगर अंगद आपको पकड़ेगा तो संभव है कि कभी इसका मन भटक जाए और ये आप कहाँ छोड़ दे।
लेकिन अगर आप इसका हाथ पकड़ लेंगे तो कभी भी ये आपके हाथ से छूट कर कहीं जाने वाला नहीं है। जीवन में आप इसको पकड़ के रखिए। अगर आपने कभी बंदर देखा है, बंदर यहाँ है, बंदर सुखी है। बंदर एक स्वभाव होता है वानरों में, क्या बंदर का जो बच्चा होता है उसमें बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती है। नहीं देखा हो तो अयोध्या आ जाइए, वो नहीं पकड़ती है माँ। और बिल्ली का जो बच्चा होता है उसमें बच्चा नहीं पकड़ता है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा के आती जाती है, उसमें बच्चा नहीं पकड़ता। अब फर्क क्या है? इन्हीं दोनों में से कोई एक भक्त हम भी बन जाए, या फिर प्रभु से इतना प्यार करें कि हम प्रभु को कभी ना छोड़ें। और अगर अपने पे डाउट हो, नहीं नहीं हम तो दुनिया में भटक सकते हैं, तो अपने आप को इस काबिल बना लो कि भगवान आपको ना छोड़े। दोनों में से एक भी अगर जीवन में आ गया तो सब प्रकार से हमारा कल्याण सुनिश्चित है। बाली ने कहा, प्रभु आप अंगद की बाहों को पकड़ लीजिए। बाली प्रभु धाम को गया, अंगद जी सेवा में है। बाली को प्रभु ने अपना निज धाम भेजा है, निज धाम प्रदान किया है। सुग्रीव जी को क्या मिला, कौन सा पद मिला? किष्किंधा का राजा बने वो, किष्किंधा का पद मिला। बाली को कौन सा पद मिला? भगवान के यहाँ का पद मिला। फायदे में कौन है बोलिए, आपके निगाह में फायदे में कौन है, बाली की सुग्रीव? बाली, सुग्रीव जी का राज्य तो आज सुग्रीव का है, अगले युवराज अंगद जी तैयार हैं, गद्दियां चली जाएगी। ये तब तक राजा हैं जब तक सामर्थ्य है, फिर अंगद जी राजा बनेंगे। और फिर जैसे ही अच्छा पद जीवन में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जाता है तो भूत पकड़ लेता है। पकड़ता है ना, पकड़ता है कि नहीं? पहले आप बताओ कौन सा भूत पकड़ता है। जैसे कोई सरपंच हो, यहाँ कोई हो तो आप मत बुरा मानना, हम तो जानते भी नहीं आप कौन है। जैसे कोई सरपंच है और 5 साल के लिए बढ़िया जीते, प्रधानी वधानी लड़के, और उसके बाद कोई और जीत गया तो अब इनको भूत पकड़ेगा, काहे कि ये भूत पूर्व सरपंच हो जाएंगे। पकड़ लिया ना भूत, पकड़ा ना। बाली को ऐसा पद मिला है जहाँ भूत पकड़ने वाला, क्योंकि भक्त इतने पुराने हो गए पर आज तक किसी भक्त के नाम के आगे भूत पूर्व संत नहीं लगा है। और दुनिया के पद जिसको भी मिले हैं, मरने के बाद भी वो भूत पूर्व स्वर्गीय फलाने, उसको भूत मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। सुग्रीव को पद तो भगवान ने दे दिया, क्योंकि सुग्रीव के मन में यही तो थी ना लालसा, मेरा राज्य छिन गया, मेरा राज्य छिन गया। बाली ने सब छीन लिया, भगवान ने कहा जिसको जो कामना है वो दूंगा। सुग्रीव को राजा बना दिया।